أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. کہنی ہے ایک نعت نبی جی کہنی ہے ایک نعت نبی جی جس میں ہو ہر بات نبی جی ہونٹوں پہ بس آپ کی باتیں رہتی ہیں دن رات نبی جی آپ کی خاطر جاری ہر دم آپ کی خاطر جاری ہر دم اشکوں کی برسات نبی جی ہر مشکل میں ساتھ ہیں میرے دائم ہو یہ ساتھ نبی جی لایا ہوں میں نعت میں رکھ کر لایا ہوں میں نعت میں رکھ کر لفظوں کی سوغات نبی جی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں اور رمضان کے آخری ایام میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا اور آج شب ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو اس میں ہم بہت چھوٹے ہیں, نہ تو ہمارے پاس علم ہے اتنا زیادہ کہ ہم اس اعلیٰ ہستی کی شان اقدس پر کوئی بات کر سکیں. ہم اپنی
कम इल्मी पर शर्मिंदा भी है कि उस पाक हस्ती को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है जिनकी अजमत के अल्लाह भी गीत गाता है, अल्लाह भी तारीफ करता है, अल्लाह भी दुरूद भेजता है। और वो कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते इन पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो गुफ्तगू के लिए हमेशा की तरह डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब मेरे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? तो अब इस गुफ्तगू दुनिया के कितने ही मौजू हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं बिला खौफ व खतर, हत्ता के बात अगर करनी हो अल्लाह ताला के हवाले से, रब को जानना है, रब की मोहब्बत है, तो भी बगैर खौफ व खतर उसके यानी झिझक के भी कर देते हैं बात। मगर जब जिक्र हो नबी पाक मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इतनी ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, इतनी ज्यादा। फारसी के एक शायर ने कहा था कि जब अगर कुछ बातचीत करो या कुछ जिक्र खुदा का कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसमें अगर कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए तो चल जाता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में एहतियात करना। अब आप देखें, हम मुसलमानों की मोहब्बत भी जो है कि अगर हजारों लोग मिलेंगे, मैं नहीं मानता खुदा को, है ओके जी आपकी मर्जी, लेकिन कहीं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहीं गुस्ताखी का शायबा भी नजर आए, हम जान दे देता है। एक मुसलमान चाहे वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो जान दे देगा। जी हाँ, ये एक ऐसी एक चीज है, ये एक हमारे चिप के अंदर है, हमारे अंदर ये अंदर बैठी हुई है कि इसके लिए, तो इस मामले में इसमें बोलना बात करना, ये इसमें तो कुछ कहने से पहले ही बदन में झुरझुरी सी आ जाती है कि कहीं कुछ गुस्ताखी या कोई गलत ना हो जाए। अब नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी जो शख्सियत है और उस शख्सियत की जो अजमत है उसके कई पहलू हैं, और कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर इंसान कोशिश करके कुछ कह सकता है, कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर वो बात नहीं कर सकता। देखिए ना, मुझे मरहूम डॉक्टर असरार अहमद की बात याद आती है। मैं उनकी एक प्रोग्राम जो है वो मैं उसमें शरीक था, सुन रहा था मैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम एक महफिल ऐसी या प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हमने किसी डॉक्टर पे बात करनी है कि भाई ये कैंसर का इसने कुछ इलाज या किया है, उस डॉक्टर के लिए उस पे बात करने के लिए हमने कुछ लोगों को बुलाना है, तो उस पर बात करने के लिए क्या होगा तरीकेकार कि उस डॉक्टर से ज्यादा जो लायक काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, तजुर्बेकार हो, उसको बुलाया जाएगा कि इस पे बात करो। जी जी, तभी तो वो बात कर सकेगा ना। अब नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन है, किसको बुलाया? किसी अंबिया में से भी नहीं बुला सकते, आप सबसे आला दर्जे पर फाइज हैं, तो कौन हो जो आके उनकी रूहानी शख्सियत से पर्दा उठाए या बात कर, नहीं कर सकता, नामुमकिन है। जैसे जामी ने कहा है ना, मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब ने, है ना, अब्दुल रहमान ही नाम था ना उनका, जामी था ना। उनका है ना शेर के नात का के बादत खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर है ना, तो उन पे बात नहीं हो सकती। हाँ, उनके कुछ शख्सियत के पहलू हैं जिन पर इंसान कोशिश करके समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए बात कर सकता है। मसलन एज ए फादर, बाप की हैसियत से, दामाद की हैसियत से, शौहर की हैसियत से, सिपाह सालार की हैसियत से, जो है ये सारी चीजें, उनको तो आप कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कि उनके जैसा उनका जो मुकाम है वो आम इंसान का जो मुकाम है और उनका जो मुकाम है उसमें फर्क नहीं, यानी वो अलग चीजें हैं। भाई देखिए, रमजान में हम रोजा रखेंगे ना,
सुबह सहरी करेंगे और रोजा इफ्तार कर लेंगे। जी लेकिन नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सौमे विसाल रखते थे। सौमे जी विसाल यानी 2 दिन का रोजा, मुसलसल रोजा 3 दिन का, ये हमारे लिए हुक्म ही नहीं है, हम नहीं रख जी सकते। हमें रोजा एक ही दिन रखना है बस, जी सहरी अफ्तार में खोल देना है। अगर कोई कहे मैं रोजा रखूं, हुक्म ही नहीं है, और ना रख जी सकते आप। सहाबाए कराम रजील्ला, सहाबाए कराम रजील्ला मेन पूछते थे ना कि ये आप जो सौमे विसाल है रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से कौन है जो मेरी मानिंद हो। मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूं और वो मुझे खिलाता है और पिलाता है। जी तो अब आप बताइए कि हम में से किसी के लिए मुमकिन है ये तस्वुर करना भी कि वो खाना वो पिलाना क्या है? नहीं तस्वुर कर सकते। बड़े बड़े सूफी वली अल्लाह, बड़े बड़े आलिम दीन के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मुकाम का पूरा पूरा इदराक कर सकते। ये मुमकिन नहीं है। अब उनके कुछ पहलू हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, और हम डॉक्टर साहब, ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता बहुत जरूरी है। है, और जैसे सूफिया ने कहा है कि इंसान को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और अहले रूह के जाकर की ऐसे शिनाख्त की जा सकती है कि उसकी हर बात अखलास से भरी हुई हो और नफाक से मुबर्रा हो, और साहबे इसरार को ऐसे पहचाना जाता है कि उसकी हर बात इसरारे खुदाबंदी के मुशाहिदों से भरी होती है। हमेशा मुशाहदा हक की गुफ्तगू करता है, उसका जाहरी जिस्म उस कारगाहे हस्ती में दिखाई देता है, और साहबे तौफीक के अलाही की पहचान भी यही है कि उसका सर हमेशा बंदगी, अतायत और इज्जो इनकसार में झुका हुआ होता है, और सदके दिल से सरबसजदूद दिखाई देता है। उसकी कलाम की तासीर पुर कमाल से भरी पड़ी होती है। सही है। तो मजाज नफ्से अमारा भी मती और मुसलमान हो जाता है। तो यानी कि इंसान को जब उस रास्ते पर चलना पड़ता है, उन मनाजिर को तय करना पड़ता है, तो इंसान को फना करना पड़ता है अपनी जात को, बिल्कुल और जब आप अपनी जात को फना कर लें तो जितनी जल्दी आप कर लें उतनी जल्दी आप वो मनाजिर तय कर लेते हैं, और मुख्तलिफ सूफिया ने उनके मनाजिर भी तय किए हैं, 41 मनाजिर हैं, 42 मनाजिर हैं, तो सही है। उसमें और कोई एक हाथ पकड़ कर आपको उनका मुती कर देता है। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, क्योंकि आपका रास्ता तो अपने रब की तरफ होता है, और रब की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुब और मोहब्बत का है। आप अपनी जात को उनकी जात में फना कीजिए, और जब आप उनमें फना हो जाएंगे तो आप अपने रब को भी पा लेंगे। बेशक। जा बात तो इसमें यह है कि अरबी में एक कहावत है, अरबी में कहा जाता है कि अगर किसी के बारे में पूछना है तो जी उसके दोस्त से नहीं पूछो, उसके दुश्मन से पूछो। दोस्त तो तारीफ ही करेगा। जी 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 अच्छा, तो हम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये देखते हैं कि गैर मुस्लिमों ने क्या कहा। जी पता चलता है इसमें 3 चीजें हैं जो तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो 3 चीजें नजर आती हैं। सबसे पहली चीज होती है, एक नाम है एम एन रॉय, जी तो थे एम एन रॉय, और ये वाकया है 1920 का। जी
सौ साल पहले की बात है। ये एमन रॉय हिंदुस्तान की शख्सियत है और जी ये कम्युनिस्ट थे, जी और उस जमाने में ये था ना बड़ा कम्युनिज्म का जोर था। जी हाँ जो है हर मुल्क में एक एक अपना नुमाइंदा रखना था, जी तो जी हिंदू ये जो है पूरे एशिया की तरफ से एम एन रॉय को चुना गया था। तो जी आप सोचे कितनी जहीन शख्सियत होगी। जी 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 अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, जी हिंदुस्तान हाँ भी आजाद हुआ था हाँ 1920 में, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और जी जी लाहौर में एक हॉल था जिसको ब्रेट लॉ हॉल कहते हैं। अब वो जी वहां नहीं है ब्रेट लॉ हॉल, अब वो टूट गया है, मगर वो था 1920 में। जी उसके अंदर एक प्रोग्राम हुआ था लेक्चर्स का, और एम एन रॉय को जो है ना वहां पर बुलाया गया था, और एम एन रॉय ने अपना लेक्चर पेश किया था जी जिसका नाम था हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। अच्छा और ये इनकी किताब भी शाया हुई थी, इनके जो पेपर्स थे 1917 में। जी अच्छा, और ये बड़ा, ये जो एम एन रॉय जो थे ये बड़े चोटी के इनकलाबी मेंबर थे। अच्छा, जी उन्होंने उस वक्त कहा, मुख्तसरन मैं बताऊंगा, कि तारीख इंसानी का जो अजीम इनकलाब है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरपा किया। और फिर तफसील से उन्होंने लिखा कि जो फतुहात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों ने, जानिसारों ने जिस तेजी के साथ हासिल की हैं, अगरचे उस तेजी के साथ तारीख इंसानी में पहले भी हुई हैं, जैसे सिकंदर आजम जो है वो मैसिडोनिया से चला था और दरियाए ब्यास तक आया, मगरिब से जो आया तो मशरिक की तरफ, दूसरा अटीला जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ गया था, मगर ये मिलिट्री के मामले थे, उनसे किसी तहजीब या तमद्दुन का वजूद नहीं हुआ, कोई जी रोशनी वजूद में नहीं आई, किसी इल्म का फरोग नहीं हुआ, जबकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई तहजीब, नया तमद्दुन, इल्म की रोशनी वो लेकर आए। तो ये एम एन रॉय ने इसका ये एतराफ किया था, यानी उतर कर हिरा से सुए कौम आया और आहा एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। अच्छा तो अब ये जो चीजें हैं ना, यानी 1920 की ये बात है। अब जी आप एक और साल में चलते हैं, हम जरा और करीब आते हैं, ये है सन 1980, अभी कोई 20 साल पहले की बात है, जी जी 30 साल, जी तकरीबन 30 साल पहले एक किताब शाया हुई थी, बड़ी मशहूर है, दी 100, अच्छा दी 100 लिखी गई थी, उस ये लिखी थी माइकल हार्ट ने, इसका अच्छा नाम था माइकल हार्ट। और उसने क्या किया था, उसने ऐसे 100 लोगों की हिस्ट्री लिखी थी, तारीख लिखी थी, जिन्होंने तारीख के रुख को मोड़ा है, अच्छा और नंबर दिए थे कि सबसे पहले कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन। उसने उसमें सबसे पहले नंबर पे रखा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल सही, दूसरे नंबर पे न्यूटन को रखा है उसने, तीसरे नंबर पर ईसा अलैहि सलाम को रखा ठीक हो गया। है, यानी ये वो लोग जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा। अब वो खुद ईसाई था, माइकल हार्ट ईसाई है, जी मगर उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर क्यों लिखा, वहां तीसरे नंबर पर उसने रखा। उससे पूछा गया होगा, लोग पूछते हैं भाई अगर मैं मुसलमान हूं और मैं करूंगा, उससे पूछा जाएगा, जी उसको भी पूछा होगा कि आपने पहले नंबर पर उन्हें रखा, तीसरे नंबर पर ईसा अलैहि सलाम को रखा। तो उसने जवाब दिया, ही इज द ओनली पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजन एंड सेक्युलर फील्ड। यानी उसका कहना यह था कि हजरत ईसा, न्यूटन जो है वो साइंस की दुनिया में था, हाँ उसको किसी तमद्दुन कल्चर से ताल्लुक नहीं था, जी 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 मजहब से ताल्लुक था। ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो मजहबी एतबार से, उनके खुतबात हैं, उनके जो सरमन है बहुत हैं, उनकी कई काम हैं ईसा अलैहि सलाम से, लेकिन ईसा अलैहि सलाम का कोई कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइड में नहीं है, सेक्युलर साइड में। आने को ना रियासत का क्या आम या कोई चीज। वो नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों फील्ड के हैं, जी ये उसने कहा, बोले इसलिए मैंने उनको पहले नंबर पर रखा। तो अब ये, यानी जाहिर आप देखें, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी चीज है जो बदल नहीं गई अरब में, जी है अखलाक बदल गए, तौर तरीके बदल गए, रस्म व रिवाज बदल गए, क्या जी जी चीज है जो नहीं, यानी छोटी से छोटी चीज भी तब्दील हो गई, जी इनकलाब। वाहिद शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी में इनकलाब देखा। जी इसके बाद हम आते हैं और उसके पीछे जरा
1866 से लेकर 1946 तक एक आदमी रहा जिसका नाम था एच जी वेल्स। एच जी वेल्स ने 1950 में, पहले हमने 1920 देखा, फिर हमने आखिरी में 1980 देखा, अब इसके दरमियान का जो टाइम है वो 1950 का टाइम है, जी 1950, यानी आज से तकरीबन 70 साल पहले। एच जी वेल्स जो है ये बर्तानिया का एक राइटर था, इसने फिक्शन राइटर था, इसने किताब लिखी थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और कंसाइस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उसने अपनी इस किताब में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। उसने ये लिखा कि ऑल दो द सर्मन्स ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी वर सेड ऑल्सो इन द वर्ल्ड, वी फाइंड दीज टाइप्स ऑफ सर्मन्स इन जीसस पीस बी अपॉन हिम, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर में भी, उससे पहले भी, उसके बाद में भी हमें ऐसे चीजें मिलती हैं जो बताती हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इक्वालिटी के राइट्स क्या हैं, यानी हुकूक जो है इंसानी हुकूक के हवाले से। लेकिन उसने अपनी किताब में ये लिखा कि बट इट वॉज ही इट वॉज बी एडमिटेड दैट इट वॉज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द टाइम इन द हिस्ट्री हु एस्टैब्लिश्ड दोज प्रिंसिपल्स, यानी कानून पहले भी थे, सरमन्स यानी खुतबात वगैरह पहले भी थे, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, यानी उनको कानूनी तौर पर, यानी वो कानून और लेजिस्लेशन की शक्ल में नहीं थे। जैसे बर्तानिया में इक्वालिटी एक्ट वगैरह बाद में लेजिस्लेशन बना, कानून बनता है ना। तो इसने कहा कि ये वाहिद शख्सियत हैं जिनके अपने दौर में ही ये कानून लागू हो गए थे। ये दुश्मन कह रहा है, दोस्त नहीं कह रहा। और अरबी का वही मकूला कि असल फजीलत वो है जिसका एतराफ दुश्मन करे। तो जाहिर है ये उसने अपनी किताब में, यानी उसकी किताब जो है मौजूद है। लेकिन अब हुआ ये है कि उस किताब का जो पहला एडिशन था ना, उसमें तो ये चीजें मौजूद है, और ये पुरानी किताब शायद पंजाब यूनिवर्सिटी की या पंजाब लाइब्रेरी में वहां मौजूद है अभी। लेकिन जो नए एडिशन शाये हुए हैं, शायद उनमें एडिटर ने ये चीजें निकाल दी है, वो हजम नहीं हो रही। तो अब ये है कि तो ये है नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान के हवाले से अगर हम ये देखें कि ये तीन लोग जो कि गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने ये तीन बातें की, हम उनकी सीरत का मुतालिया करें और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, जो उन्होंने कहा है वो करें, उनका इत्तेबा करें। अल्लाह ताला ने कहा है मेरा हुक्म मानो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरा हुक्म मानो, ठीक है। आगे ये नहीं कहा कि अगर मानोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ये नहीं कहा है। तुम अगर करते हो तो मेरा हुक्म मानो, लेकिन अगर तुम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अगर मैं मिसवाक कर लेता हूं और कुर्ते का बटन ऊपर का खुला छोड़ देता हूं तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है। यानी वो कहते हैं ना, किसी ने लिखा था पाकिस्तान में, मन चले का सौदा, मगर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं वो लिख रहा हूं जिसमें सौदा खुद मन चला हो गया। आपने तो मन चले का सौदा देखा, यहां तो सौदा खुद मन चला है। सुभान। दो काम छोटे कर लिए तो खुदा मुझसे मोहब्बत कर रहा है यार। अगर वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है तो मुझे किसी की पड़ी है। बेशक। तो ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए ही ये दुनिया, ये कायन, ये सब चीजें वजूद में आई हैं। और मुझे तो कभी कभी इस बात पर ये होता है, एक अजीब सा एहसास होता है कि यार वो शख्स जिसके लिए ये कायनात बनी, जिसने खुदा को, यानी जिसको खुदा ने अपने पास बुलाया मेराज पे और वापस भी आए, वो शख्सियत मेरे लिए रोती भी है, उम्मत के लिए रोए ना वो। हाँ वो उम्मत के लिए रोए हैं, उनकी दुआ पहले से लेकर आखिर तक उनकी उम्मत के लिए थी। उम्मत में मैं हूँ शामिल ना, हम सभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए रोए हैं। मैं कहाँ रोता हूँ किसी लोगों के लिए,
अपनों के लिए भी आजकल कोई नहीं रोता, वाह वो मेरे लिए रोए हैं। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। हम तुम्हारे उम्मती हैं, बस यही है आसरा, वरना कल्बो रूह के आईना घर मुश्किल में है। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।